सो हे गेमर्स, आई एम बैक विद अदर वीडियो। तो गाइस, काफ़ी दिनों से जो आप लोग स्कारपाट 2.0 के नेक्स्ट अपडेट का यहाँ पर जो है वेट कर रहे थे, तो अब आपको जो है ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो है डेट यहाँ पर जो है फाइनल हो चुकी है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। उसी के साथ साथ गेम के अंदर ऑलरेडी एक अपडेट आ चुका है, जिसके अंदर एक फीचर जिसकी आप लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे, उसको यहाँ पर जो है ऐड किया गया है। साथ ही साथ जिन लोगों को नहीं मालूम है कि स्कारपाट की नेक्स्ट अपडेट यानी फेज 3 के अंदर क्या आने वाला है, वो लोग भी ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो मैं सारी की सारी मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। एंड एट लास्ट, अगर आप लोगों ने स्कारपाट 2.0 का फॉर्म फिल किया है, अभी तक आप लोग को गेम नहीं मिला है, तो आप लोग भी वीडियो यहां पर देखेंगे ना, क्योंकि आपके लिए भी यहां पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। तो फटाफट से यहां पर जो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पहली बार आ रहे थे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अच्छा लगे तो यहां पर लाइक जरूर से कर देना। तो पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि गेम के अंदर यहां पर नया क्या ऐड किया गया है, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि गेम का यहां पर जो नेक्स्ट अपडेट कब तक आएगा। तो अगर आप लोग को मालूम हो तो गेम के अंदर जो टीडीएम मोड है, जो कि 4v4 वाला है, उसको अभी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर जो है टोटल 4 बंदे यहाँ पर चाहिए होते हैं, लेकिन उसकी जो लिमिट है उसको घटाकर यहाँ पर 2 कर दिया गया है, जिसके बाद अब आप लोग जो है टीडीएम के अंदर जो कि 4v4 वाला मैप है, उसके अंदर 1v1 कर पाओगे, जो कि आप लोग काफी दिनों से यहाँ पर डिमांड कर रहे थे, क्योंकि काफी सारे जो प्लेयर्स है वो कह रहे थे कि 1v1 का ऑप्शन यहाँ पर ऐड करो। तो फाइनली यहाँ पर इस ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है, अब आप लोग इजिली यहाँ पर जो है 1v1 कर पाओगे टीडीएम मोड के अंदर। तो अब जरा बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट यानी कि फेज 3 के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि फेज 3 के अंदर आखिर आने क्या वाला है, क्योंकि काफी सारे लोगों को अभी तक यही नहीं मालूम है। अल्फा वर्जन के अंदर जो फेज 3 है, सबसे मेन अपडेट इसी के अंदर यहाँ पर आने वाला है। इसके अंदर गाइस आप लोग को गेम के अंदर व्हीकल्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि मुंबई मैप में आप लोग यहाँ पर जो है यूज कर पाओगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ट्रेडिंग मोड है, उसके अंदर भी आप लोग को जो है व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो गेम का एक्सपेक्टेड मोड है, जब आप लोग मर जाते हो अपने एनिमी को या फिर अपने टीममेट्स को देखते हो, उसको भी यहाँ पर जो है इंप्रूव किया जाएगा। एंड एट लास्ट गेम के अंदर 2 नए मैप्स यहाँ पर ऐड होने वाले हैं, जो कि दोनों के दोनों टीडीएम ही रहने वाले हैं। क्योंकि अगर आप लोग को नहीं मालूम तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, अभी के जो टीडीएम मैप है, ये दोनों के दोनों प्रोटोटाइप हैं, इन दोनों को यहाँ पर जो हटा दिया जाएगा, इनकी जगह पर वो दोनों टीडीएम मैप आने वाले हैं। तो जो 4v4 वाला टीडीएम मैप है, यहाँ पर आप लोग को स्नो थीम देखने को मिलने वाली है। अभी तक लिस्ट निकल के सामने नहीं आई कि ये कैसे दिखेंगे, बस यही मालूम है कि स्नो थीम यहाँ पर रहने वाली है। उसके अलावा जो 8v8 वाला मैप है, यहाँ पर आपको गोवा बीच थीम देखने को मिलेगी, ऐसी कुछ यहाँ पर थीम है। अब ये कैसे देखने में लगेगी भाई, ये भी भाई अपडेट आने के बाद ही यहाँ पर पता चलेगा, या फिर उससे पहले अगर कोई लीक्स निकल के आती है तो मैं आप लोग को जरूर यहाँ पर दिखाऊंगा। अब जरा बात कर लेते हैं गाइस कि फाइनली हमारा जो फेज 3 यहाँ पर कब तक हम लोग को देखने को मिलेगा। तो गाइस जो फेज 3 के ये दोनों मैप जो मैंने अभी आप लोग को बताए, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। मेन काम होना है व्हीकल्स को लेकर। तो डेवलपर्स का कहना है कि नेक्स्ट वीक के एंड तक आप लोग को जो है फेज 3 देखने को मिलेगा। हाँ, लगभग 2 वीक यहाँ पर जो है फेज 3 यहाँ पर जो है हमारा डिले हो चुका है। एंड इसका मेन रीजन है यहाँ पर जो है गेम के अंदर इस वाले अपडेट के अंदर जो है व्हीकल्स को ऐड किया जाएगा, साथ ही साथ 2 मैप भी आ रहे हैं, तो सबसे टफ काम जो है यहाँ पर व्हीकल्स को ऐड करना ही है। तो आप लोगों में से अब काफी सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अगर फेज 3 यहाँ पर डिले हो चुका है तो बाकी के जो नेक्स्ट अपडेट आने हैं वो भी यहाँ पर डिले हो जाएंगे। एंड जो डेवलपर्स ने कहा था कि जनवरी एंड तक यहाँ पर जो है हमारा अल्फा वर्जन कंप्लीट हो जाएगा, वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि डेवलपर्स का कहना है यहाँ पर जो जैसे ही फेज 3 यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो फेज 4 एंड जो फेज 5 के पहले अलग अलग अपडेट आने थे, इन दोनों को यहाँ पर एक साथ ही यहाँ पर दे दिया जाएगा। एंड उस पर ऑलरेडी यहाँ पर जो एक काम चल रहा है, तो जो पहले यहाँ पर जो टाइमिंग डिसाइड की गई थी कि जनवरी एंड तक सारे के सारे फेज यहाँ पर आ जाएंगे, वही यहाँ पर रहने वाली है। बस यहाँ पर जो है फेजेस के अंदर यहाँ पर जो है टाइम चेंज हो गए हैं, 1-2 वीक आगे पीछे हो गया है, लेकिन ओवरऑल जो अपडेट है हमारा फाइनली टाइम पर ही यहाँ पर रहेगा, यानी कि 1 मंथ के एंड तक यहाँ पर जो है आपको पूरा का पूरा अल्फा वर्जन कंप्लीट होता नजर आ जाएगा, यानी कि जनवरी एंड तक आप लोग को जो है पूरा का पूरा यहाँ पर जो है गेम ऑलमोस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अंदर रैंक मोड वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन बेसिक फीचर यहाँ पर सारे ऐड कर दिए जाएंगे। एंड फिर आप लोग जो है तैयारी कर सकते हो अपने बीटा वर्जन की स्कारपाट 2.0 के। तो अब जरा बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था एंड अभी तक यार उन लोगों को गेम नहीं मिला है। काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, उनको 2 दिन हो गया है, कोई बोल रहा है भाई 2 वीक हो गए हैं, अभी तक यहाँ पर जो है गेम नहीं मिला है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग को गेम तभी मिलेगा जब गेम के अंदर अपडेट आएगा। अपडेट आने से कुछ दिन पहले या फिर कुछ घंटों पहले ही आप लोग को जो है मेल आ जाएगा। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि काफी सारे लोग अलग अलग टाइम पे यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको एक बंदा ही बिठाना पड़ेगा कि सबको यहाँ पर जो है गेम को अप्रूव करे। इससे बढ़िया उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि जितने ही फॉर्म फिल हो रहे हैं होने दो, एक साथ सभी को यहाँ पर जो है मेल भेजा जाएगा जब यहाँ पर अपडेट आएगा। इस वजह से भाई अगर आपने 2 दिन पहले भरा या फिर 2 हफ्ते पहले, जब तक अपडेट नहीं आएगा भाई आप लोग को गेम नहीं मिलेगा। अपडेट आने से कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है आपको गेम मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखो। तो गाइस ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्कारपाट 2.0 के नेक्स्ट अपडेट से लेकर, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और भी कोई अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो
जरूर से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। हम लोग आज का जो वीडियो हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।